हाँ तो भाई, वुमेन्स प्रीमियर लीग का मैच नंबर छठा जो कि खेले जाने वाला है मुंबई वुमेन्स वर्सेस यूपी वुमेन्स के बीच में, यह मैच खेला जा रहा है। ठीक है, तो इस मैच के लिए अपना जो यहाँ पर जीएल का टीम है वो क्या रहेगा, इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे हर कोई अपना अपना दिमाग लगा के इस मैच के लिए टीम बनाएगा ग्रैंड लीग का, हम लोग अपना देखेंगे कि हम लोग अपना टीम कैसे यूनिक बना सकते हैं। जैसे इस मैच में आपको बताया तो बहुत सारे जो प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन ऑलरेडी हाई चल रहा है वो सर दोनों मैच खेले हैं, दोनों मैच में अच्छा परफॉर्म किया, और जो फ्लॉप हुआ है दोनों मैच में फ्लॉप रहा है। ठीक है, तो टीम को आखिर यूनिक कैसे बनाएंगे। जैसे विकेट कीपर सेक्शन पे वाई भाटिया है, उसके बाद बैटिंग पे हरीश हो गए, उसके बाद नेटली साइवर है, हरमनप्रीत कौर है, ये लोग दोनों मैच में चले हैं। ठीक है, और सिलेक्शन इनका काफी हाई है तो इनको सभी लोग लेके जाएंगे, हम लोग भी लेके चलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कम सिलेक्शन वाला प्लेयर है जिसका 10% या 20% सिलेक्शन होगा, वो सही प्लेयर यहाँ हम लोग कौन सा चूज कर सकते हैं जो कि अपना टीम को ग्रैंड लीग का टीम यूनिक बना है। क्योंकि आप ग्रैंड लीग का टीम बना रहे हो तो आपको लो सिलेक्शन वाला प्लेयर एक दो टीम में लेना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप जीएल का बना रहे हो तो, और वही 49 पाने वाला टीम बना रहे हो तो शायद ना लेना पड़े। तो इस मैच के लिए जीएल टीम साथ में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्रम्प कार्ड प्लेयर क्या रहेगा, सभी कुछ वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखने की कोशिश करना, ठीक है, 10 मिनट टाइम निकाल के, ताकि आप अच्छा टीम तैयार कर सके। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग थोड़ा यहाँ पर गाइड वगैरह पे देख लेते हैं। मुंबई वुमेन्स का रिसेंट का जो मैच है 5वीं विन चल रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि आप मुंबई जो इंडियंस का टीम है उससे आप 7 प्लेयर लेके आराम से 6 से 7 प्लेयर चल सकते हो, मतलब जो ज्यादा खिलाड़ी लेने हैं आपको मुंबई से लेने हैं। ठीक है, उसके बाद यूपी वुमेन्स का 4 लॉस है 1 विन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद स्टेडियम मैंने हर वीडियो में बताया है, चेन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच है और पिच है बैटिंग फ्रेंडली पता ही है और गुड फॉर स्पिनर है, इस पिच पे स्पिनर जो है ज्यादा चलते हैं। ठीक है, और स्पिनर में बात करें तो इसाक है और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो कि दोनों मैच में नहीं चले, स्पिनर है फिर भी एक भी विकेट नहीं मिला। ठीक है, तो इस मैच में उनको लेके चलेंगे कि नहीं आइए जानते हैं। उसके बाद वेदर ओवरकास्ट रहेगा, एवरेज रन 137 का इस ग्राउंड का, टोटल विकेट 57 गिरे हैं जिसमें से 34 यहाँ पर मिले स्पिनर को और बाकी जो बचे हुए विकेट है कितना 23 मिले हैं पेसर्स को। ठीक है, और हेड टू हेड दोनों टीमों में जो आपस मैच खेला गया है 3 खेला गया है जिसमें मुंबई की टीम ने 2 जीत लिया और यूपी की टीम ने जो है 1 जीता है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग फाइनल यहाँ पर टीम बनाने की तरफ। तो विकेट कीपर पे एलेक्सा एलिया और वाई भाटिया है, तो वाई भाटिया और एलेक्सा एलिया दोनों अपने टीम के टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है, ओपनर है अपने टीम के, जिसमें से यहाँ पर अगर हम आपको हेली का दिखाएं, ठीक है, एलिसा एली का, तो ये पहला मैच फ्लॉप की थी, दूसरा मैच ठीक ठाक परफॉर्म किया, उतना भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आप देख सकते हो मात्र 19 फैंटेसी पॉइंट दिए। ठीक है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की तरफ से जो बॉलर है काफी अच्छे पड़ जाते हैं तो जल्दी विकेट निकल जाता है। उसके बाद जो वाई भाटिया है, वाई भाटिया ने दोनों मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, देख सकते हो 101 और 44 फैंटेसी पॉइंट ऑलरेडी दिए हुए हैं और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, कभी कभी जो है बॉलिंग भी करा लेती है टीम से। ठीक है, पार्ट टाइम मान के चलिए, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है 2 ही ऑप्शन है, बाकी ये 2 प्लेयर तो लाइनअप के बाद बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो 2 में आपको इस मैच के लिए दोनों लेके जाना चाहिए। ठीक है, दोनों प्लेयर अच्छे हैं, दोनों का सिलेक्शन हाई है और जैसा मैंने बैटिंग लाइनअप आपको बोला था, एलेक्स हेली और वाई भाटिया दोनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है आपके सामने है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो ओपनर अपने टीम के खेलने का पूरे अच्छे तरीके से मौका मिलेगा, तो यहाँ से जो आप प्लेयर ले सकते हो दोनों को ले सकते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वाई भाटिया है, एलेक्स हेली को आप चाहो तो टीम नंबर 2 जब 2 या टीम जो भी मतलब 1 या 2 टीम से ज्यादा खेलते हैं वो ड्रॉप कर सकते हो अगला टीम में। जैसे हम जो अगला टीम बनाएंगे उसमें एलेक्सा एली को नहीं लेंगे, ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, टीम नंबर पहला में लेके जा रहे हैं। उसके बाद बात करें बैटिंग सेक्शन की, जहां पे हमको ये वाइट मिलेगी, ये नहीं खेलेगी मैच के बाद बाहर, हरमनप्रीत कौर है, दोनों मैच अच्छा खेली है और इसको सभी लोग लेके जा रहे हैं, हम लोग भी लेके चलेंगे, देख सकते हो 80 और 61 फैंटेसी पॉइंट यहाँ पर इसने दे रखा है। उसके बाद हरीश की बात करें तो हरीश भी बढ़िया यहाँ पर देख सकते हो, 99 और 23 पॉइंट के साथ ग्रैंड लीग की टीम में शामिल है। ठीक है, उसके बाद नीचे बात करते हैं यहाँ पर नवगिर की, जो कि दोनों मैच यहाँ पर बेकार है, देख सकते हो यहाँ पर 5 और 16 फैंटेसी पॉइंट दे रखे हैं, दोनों मैच में बिल्कुल फ्लॉप रहे। ठीक है, सिलेक्शन ऑलरेडी लो चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मिलेंगे एक और, ठीक है, ये भी दोनों मैच में फ्लॉप किया, देख सकते हो दोनों में एक भी बार मतलब 7 पॉइंट 4 पॉइंट दिए, इतना कम पॉइंट। ठीक है, बात करते हैं इन सभी के हम पहले दोनों के बैटिंग लाइनअप के बारे में। ठीक है, तो जो नगारीब है यहाँ पर देख सकते हो आप जो है 6 डाउन बैटिंग करती है 6 नंबर पे, हालांकि इसको बैटिंग मिला था लेकिन आउट हो गई, 2-4 रन बना के उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उसके बाद जो एक और है, एक और जो है 7 नंबर की बैट्समैन है, तो थोड़ा सा इसको बैटिंग मिलने का कम चांस है क्योंकि जो एमआई की टीम है वो विकेट यहाँ पर कम से कम गिराने का कोशिश करती है। ठीक है, और ज्यादातर अच्छे बॉलर यहाँ पर देख सकते हो एमआई में यूपी में भी है, जैसे यहाँ पर एलस्टॉन है, ठीक है, ये सभी भी अच्छे बॉलर है,
तो ज्यादातर विकेट जो है यूपी के गिरेंगे, ठीक है, मुंबई इंडियंस के मतलब कम विकेट गिरने के चांसेस है। तो यहाँ पर एक और जो है काफी नीचे है बैटिंग लाइनअप के लिए, ठीक है, तो इसको हम छोड़ के चलेंगे। उसके बाद नगारी, ये भी काफी नीचे है, तो इसको भी हम यहाँ पर छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे बात करें, यहाँ पर सजना है, दिनेश है और शेवरत है, तीनों का सिलेक्शन लो है। सजना का अगर आपको दिखा है तो दोनों मैच में ये भी फ्लॉप रही है, दोनों मैच में एक भी ग्रैंड लीग टीम में नहीं आई हुई है। उसके बाद दिनेश है, तो दिनेश यहाँ पर 31 और 10 फैंटेसी पॉइंट दे रखा है इसने भी, ठीक है, फ्लॉप रही। उसके बाद शेवरत है जो कि दोनों मैच यहाँ पर 43 और 60 फैंटेसी पॉइंट दे रखा है। जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो प्लेयर चले हैं दोनों मैच में चले हैं, और जो फ्लॉप हुए लगभग दोनों मैच में फ्लॉप हुए, ठीक है, और एक एक प्लेयर ऐसे भी है जो हाई सिलेक्शन है लेकिन एक ही मैच चले हैं, तो उनको लेना है कि नहीं चलिए आगे जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने दिखा दिया। अब बात करते हैं दिनेश और सजना, इन सभी के हम बैटिंग लाइनअप के, ठीक है। तो दिनेश जो है वो सेकंड राउंड बैटिंग करती है दो नंबर पे, हालांकि इसको खेलने का मौका मिलता है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पाती है, ठीक है। उसके बाद जो सजना है काफी नीचे 8 नंबर पे। उसके बाद यहाँ पर नगारीफ का मैंने बता दिया था। शेवरत जो है 5 नंबर पे, तो शेवरत को देखो 36% सिलेक्शन है, आप फिर से अगर टीम में लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो जीएल का टीम के लिए, ठीक है। कौन सा प्लेयर आपको, ये वाला 38% सिलेक्शन है, आप इसको लेके जा सकते हो। और एक हाई रिस्क पे अगर आप ट्राई करना चाहो प्लेयर, तो आप यहाँ पर एक और को या फिर दिनेश को, दो प्लेयर में से एक आप रख सकते हो। ज्यादातर यहाँ पर आपको लेके जाना चाहिए दिनेश को, आप लेके जा सकते हो। अगर दो नंबर पे बल्लेबाजी करती है तो खराब प्लेयर नहीं होगी, अगर एक दो दिन किसी का बेकार चला जाए, परफॉर्म ना कर पाए, तो उस प्लेयर को इतना जल्दी जज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आखिर में इसको सेकंड राउंड दो नंबर पे बैटिंग दिया गया, कुछ बात होगा, खेलती होगी अच्छा तभी दिया गया, ठीक है। तो दिनेश को आप हाई रिस्क लेके अगर ट्राई करना चाहो जीएल का ट्रम्प कार्ड प्लेयर के लिए, तो आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, एक प्लेयर, ठीक है। उसके बाद शेवरत है दूसरा, तो ये दोनों प्लेयर है बैटिंग सेक्शन पे ट्रम्प कार्ड, बस इसके अलावा कोई भी लेना हमारे ख्याल से सही नहीं है। और एक हमने ऑप्शन दिया एक और को, ठीक है, जिसका कम चांसेस है। अब बात करते हैं यहाँ फाइनल में लेके किसको जा रहे हैं, ठीक है। तो फाइनल यहाँ पर हरमनप्रीत कौर है, दोनों मैच में चली है, उसके बाद हरीश भी चली है, हरीश को भी लेके जाएंगे। उसके बाद जो जैसा मैंने बोला दिनेश है, तो चलो एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर हम रिस्क लेके टीम नंबर पहला में दिनेश को हम ले लेते हैं, ठीक है। अब चलेंगे फाइनल ऑलराउंडर सेक्शन पे, ठीक है। तो ऑलराउंडर सेक्शन पे बताने से पहले, अगर आपने सभी ने अभी तक वीडियो को एक लाइक ना किया हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक करके एक अपना प्यारा सा कुछ भी कमेंट कर देना, ठीक है। वीडियो में फटाफट से एक लाइक मारो यार, ना तो वीडियो में आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट से एक लाइक कर दो हमेशा की तरह। और बात करें ऑलराउंडर सेक्शन पे, तो यहाँ पर मैथ्यूज है, नेटली साइवर, उसके बाद एक और है और मैकग्रेथ है। तो जो मैकग्रेथ है पिछला मैच में -1 फैंटेसी पॉइंट करा करके आ रही है, ठीक है, एक पॉइंट इसने माइनस कराया है, दिए नहीं है। पहले मैथ्यूज का हम दिखा देते हैं, तो मैथ्यूज ने यहाँ पर पहला मैच में 0 फैंटेसी पॉइंट, दूसरा में 35, मतलब एवरेज है, ठीक है। एक भी मैच जैसा इससे उम्मीद था कि कैप्टन वाइस कैप्टन का पारी खेल के देगी, एक भी मैच नहीं खेल पाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेटली साइवर है, नेटली साइवर ने दोनों मैच में काफी अच्छा परफॉर्म किया, 77 और 57 पॉइंट के साथ फैंटेसी टीम में जो है शामिल है फैंटेसी टीम में। उसके बाद यहाँ पर जो है कौर है, जो कि यहाँ पर 89 और 172 फैंटेसी पॉइंट दिए, काफी मतलब बेहतर परफॉर्मेंस इसने दिया है, कैप्टन वाइस कैप्टन का पारी खेल के दिया है दोनों मैचों में। उसके बाद मैकग्रेथ है, जैसा मैंने बताया मैकग्रेथ पिछला मैच में देखो -1 पॉइंट करा के आ रही है, ठीक है, माइनस में इसने पॉइंट दिया। सुनो राइट आर्म मीडियम फास्ट पेसर से एक भी विकेट इसको नहीं मिल पाए थे। उसके बाद यहाँ पर डी शर्मा बचती है, तो डी शर्मा का अगर हम बात करें तो डी शर्मा पहले में अच्छा खेली थी, दूसरा में फ्लॉप रही, तीसरा मैच में आप फिर से इसको लेके जा सकते हो, इसका ये तीसरा मैच रहेगा, ठीक है, आप फिर से यहाँ पर लेके इसको चल सकते हो। उसके बाद यहाँ पर कीर्थना है और नाना साहब है, तो कीर्थना को अगर हम देखें तो ये दोनों मैच जो है फ्लॉप किया यहाँ पर, ठीक है, एक भी मैच में ग्रैंड लीग टीम में नहीं है। उसके बाद नाना साहब की बात करें तो ये भी फ्लॉप रही है, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था जो प्लेयर फ्लॉप हो रहे हैं लगातार हो रहे हैं, तो पहले बात करते हैं इन सभी के हम बैटिंग लाइनअप के बारे में, ठीक है। तो जो नाना साहब है, पहले ट्रम्प कार्ड वाला बात कर लेते हैं, जो नाना साहब है यहाँ पर 7 डाउन बैटिंग करेगी। उसके बाद मैंने सजना का बता दिया था, एक और का मैंने बता ही दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर बात है टॉप ऑर्डर का, जो कि मैकग्रेथ है जिसने पिछला मैच में -1 पॉइंट कराया। उसके बाद यहाँ पर मैथ्यूस है, नेटली साइवर है और एक और है, सारे के सारे टॉप ऑर्डर के जो है बैट्समैन है। और जो डी शर्मा ऑलराउंडर पे ये जो है 8 नंबर पे है, ठीक है, यूपी की टीम से है तो आप लेके जा सकते हो। फाइनल यहाँ पर बात करते हैं कि लेके किसको चलना है, ठीक है। तो मैथ्यूस है, फ्लॉप रही थी पहला मैच में, दूसरा मैच में भी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं की थी। तो यहाँ से हम जो लेके जा रहे हैं, नेटली साइवर हो गई, उसके बाद एक और हो गई, मैकग्रेथ पिछला -1 पॉइंट करा के आ रही है, हम फिर से इसको लेके जा रहे हैं। उसके बाद डी शर्मा है, ठीक है, और उसके बाद कीर्थना है, नाना साहब है। तो यहाँ से जो प्लेयर लेके जाएंगे हम तीन ही प्लेयर लेके जा रहे हैं, ठीक है। मैथ्यूज को भी हम इस मैच में ड्रॉप करके जा रहे हैं, हम यहाँ से तीन बॉलर जो है लेके चलेंगे बॉलिंग सेक्शन से। यहाँ से हमने एक भी ट्रम्प कार्ड प्लेयर नहीं रखा है, ठीक है। अगर आपको रखना हो तो आप यहाँ पर रख सकते हो, किसको यहाँ पर ऑलराउंडर पे किसी को आप नहीं रखना, ठीक है, उतना ही बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देगी। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा बॉलिंग सेक्शन पे,
जहाँ पे हमको एलेस्ट्रॉन मिलेगी, जिसके साथ काफी सारे लोग जाएंगे और एलेस्ट्रॉन का परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहा है। दोनों मैच में एक एक विकेट जो है इसने निकाल रखे है। स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, स्पिनर गेंदबाजी कराती है। उसके बाद यहाँ पर स्माइल है जिसने यहाँ पर काफी अच्छा विकेट निकाला है, देख सकते हो दोनों मैचों में। राइट आर्म मीडियम फास्ट है, पेसर्स है, लेकिन तीन तीन विकेट इसने निकाल रखे। पहला मैच में एक विकेट और दूसरा मैच में तीन विकेट निकाले हैं। उसके बाद गायकवाड़ है जिसने पहला मैच यहाँ पर विकेट निकाला, दूसरा में फ्लॉप रही है। तो गायकवाड़ को आप फिर से लेके इस मैच में चल सकते हो। लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेफ्ट गेंद से लेफ्ट हैंड से स्पिन गेंदबाजी कराती है। उसके बाद यहाँ पर वस्त्राकर है, ठीक है। वस्त्राकर यहाँ पर देख सकते हो दोनों मैचों में फ्लॉप है, एक भी मैच में ग्रैंड लीग टीम में शामिल नहीं है यहाँ पर। उसके बाद नीचे इशाक है जो कि स्पिनर है टीम से, लेकिन दोनों मैचों में यहाँ पर फ्लॉप रही है। हालांकि पावर प्ले में बॉलिंग कराने जाती है लेकिन विकेट नहीं मिल पाया, ठीक है। तो दूसरा तीसरा देखो जो भी बोलो, आप ट्रम्प कार्ड लेना चाहो आप इशाक को जो है ले सकते हो। बेस्ट ट्रम्प कार्ड शायद यही निकल के कल के मैच में आने वाली है, क्योंकि स्पिन गेंदबाजी कराती है और दोनों मैच में विकेट मिला नहीं है, तो ठीक है ना। तो इस मैच में कमबैक करके कुछ अच्छा खासा आपको दे सकती है, तो आप इसको जो है ट्रम्प कार्ड प्लेयर के लिए ले सकते हो। उसके बाद नीचे यहाँ पर सुल्ताना है, ये भी एक मैच खेली है, उसमें भी फ्लॉप रही है, ये भी स्पिनर है। ज्यादातर मतलब यहाँ पर स्पिनर है, पेसर्स भी है, दोनों है काम पर, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर एलेस्ट्रॉन को, तो पहला ले लेंगे, उसके बाद जो है इस्माइल को ले लेंगे, और चौथा प्लेयर 40% सिलेक्शन है, तो पहला टीम में हम गायकवाड़ को यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। फाइनल जीएल का टीम बन चुका है। जिसमें ट्रम्प कार्ड की बात करें तो ट्रम्प कार्ड हमारा यहाँ पर दिनेश हो जाएंगे, थोड़ा इनका कम सिलेक्शन है। उसके बाद यहाँ पर गायकवाड़ हो गए, दो ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो गए जिनका सिलेक्शन लो चल रहा है। अब इसमें बात करते हैं फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो उससे पहले आपको बता दें कि जैसे ये टीम बना हुई, ठीक है, अगर इसमें मान के चलिए लाइनअप के बाद कोई प्लेयर हमको चेंज करना है किसी की जगह, चाहे कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करना है, मतलब मैच से जुड़ा अगर कुछ भी अपडेट आता है इस टीम में, तो सारा इन्फॉर्मेशन सारा चीज जो है आपको बताया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जाके आप सभी ज्वाइन जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैच से जुड़ा लास्ट में जो भी अपडेट आता है, चेंजेस कराया जाता है, वहीं पे आपको बताया जाता है, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आप हमारा जो वीडियो है आप तक दोबारा बड़े आसानी से पहुंच सके। और साथ में हमारा सिंपल सा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो एक लाइक करके एक कॉमेंट जरूर से कर देना, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं फाइनल कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। तो सबसे ज्यादा जो सिलेक्शन है यहाँ पर, ठीक है, एक एयर का चल रहा है, उसके बाद नेटिव स्ट्राइवर का 15 है, मैकग्रेथ का यहाँ पर 10% वाइस कैप्टन में चल रहा है, क्योंकि इसमें -1 पॉइंट करा रखे पिछला मैच में, ठीक है। उसके बाद इस्माइल का 4% है, तो ज्यादातर ऑलराउंडर और बैट्समैन ही सही रहेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हो हरमन क्राउड का चल रहा है 3%, उसके बाद यहाँ पर वाई भाटिया का 2% चल रहा है और 5% वाइस कैप्टन में, ठीक है। उसके बाद दिनेश और हरीश का नहीं चल रहा है। तो फाइनल यहाँ पर अगर हम कैप्टन की बात करें तो पहले हम चलते हैं बैटिंग लाइनअप में, ठीक है। तो सारे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हमने ले रखे हैं, जैसे यहाँ पर हरीश है, ठीक है। नगारीफ को देखो, जैसा मैंने बताया था, शेवरत को और आप ट्रम्प कार्ड लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। नेटली साइवर है, वाई भाटिया एक और है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वाई भाटिया है उसको हम बना देंगे वाइस कैप्टन, ठीक है दोस्तों, सॉरी वाइस कैप्टन बना देंगे वाई भाटिया को। और कैप्टन की मैं बात करूं तो कैप्टन यहाँ पर एक और के साथ 46% लोग जा रहे हैं। हम इसके साथ ना जाके हम चले जाएंगे इस मैच में नेटली साइवर के साथ, ठीक है। फाइनल जीएल का टीम कॉम्बिनेशन पहला आपके सामने बन के तैयार है, जिसके साथ सभी लोग जा रहे हैं, कैप्टन हम लोग नहीं गए हैं, थोड़ा सा यूनिक टीम हम लोग बनाए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इस टीम को, आप ध्यान से देख लो। अब बात करेंगे टीम नंबर दूसरा के कॉम्बिनेशन के बारे में। तो दूसरा में हम जिस प्लेयर को लेके जाएंगे, जैसा मैंने बताया था, सिर्फ और सिर्फ एक प्लेयर यहाँ से वाई भाटिया को लेके जाएंगे, हेलिको ड्रॉप। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो हरमनप्रीत कौर हरीश सेम हो जाएगी। उसके बाद नवगीर को हम यहाँ पर ट्रम्प कार्ड ले लेंगे, जिसका बैटिंग लाइनअप यहाँ पर देख सकते हो 6 नंबर पे, तो इसको बैटिंग आसानी से मिल सकता है, हम इसको ट्रम्प कार्ड ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद शेवरत को जैसा मैंने बोला था, आप फिर से लेना चाहो ले सकते हो। तो यहाँ से हम फिलहाल 3 प्लेयर लेके जाएंगे। उसके बाद बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, जहां पे इस टीम में हम मैथ्यूज को ले लेंगे, ठीक है, एक एयर को, नेटली साइवर और मैकग्रेथ है, तो मैकग्रेथ को भी चलो इस टीम में हम ले लेंगे। उसके बाद डी शर्मा को भी हम ले लेंगे। बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, ठीक है, जिसमें से 2 ऑप्शन में यहाँ से हम एक ट्रम्प कार्ड रखेंगे। यहाँ पे जो हम रखने वाले हैं, इस्माइल को रख लेंगे, एक प्लेयर हो गई। उसके बाद जो है यहाँ पर इशाक को मैंने ट्रम्प कार्ड प्लेयर के तौर पर रख लिया है। मुंबई से हमारे ज्यादा प्लेयर हो गए, देख सकते हो 7-4 के कॉम्बिनेशन में हमारा यह टीम बन चुका है। अब इसमें बात करते हैं नेक्स्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो कैप्टन जाएंगे हम, जिसके साथ एक करोड़ के साथ सभी लोग जा रहे हैं, हम भी चले जाएंगे कैप्टन। उसके बाद वाइस कैप्टन थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, वाइस कैप्टन मैथ्यूस ने एक भी मैच में नहीं चला है, तो मैथ्यूस को आप रिस्क लेके अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, क्योंकि 2 मैचेस जो खेले हैं उसमें एक भी मैच अच्छा फैंटेसी पॉइंट नहीं दिया है। उसके बाद इस्माइल है, इशाक है, ठीक है,
उसके बाद देखा जाए तो हरीश के साथ भी आप जा सकते हो अगर रिस्क लेके जाना चाहो तो। फिलहाल हम यहाँ पर बना देंगे एक और को कैप्टन और वाइस कैप्टन हम इशाक को बना देंगे। बहुत ज्यादा रिस्क लेके हमने वाइस कैप्टन बनाया है, अगर आपको पसंद ना आ रहा हो तो आप वाइस कैप्टन अपने मर्जी से बना सकते हो। हमने पूरा पूरा रिस्क लिया है, वाइस कैप्टन में 0% इसका सिलेक्शन चल रहा है। जैसा कि कल परसों वाले मैच में आपने देखा होगा, नाम नहीं याद है, कोई प्लेयर थी जिसका 0% सिलेक्शन चल रहा था सीबीसी में, लेकिन वही कैप्टन का पारी खेल के दी थी, ठीक है, शायद कोई आशा करके थी। तो दोस्तों फाइनल जीएल का टीम कॉम्बिनेशन आपके सामने रेडी है। अगर इस टीम में कुछ भी चेंज अपडेट ना आए, आप इसी से खेलना अगर आएगा तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके हमारे चैनल का मेंबर बन जाना, हमसे जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। तो दोस्तों फिलहाल यही तक रहता अपना वीडियो, तो मिलते हैं आप सभी से अपने अगली वीडियो में।